हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडक्टेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इंडक्टेंस जो है यह इंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के अचानक परिवर्तन का विरोध करती है, यानी यह सडन चेंज इन करंट का अपोज करती है। दोस्तों, अगर करंट कांस्टेंट बनी रहेगी तब वहाँ पे इंडक्टेंस प्रभावी नहीं होगा। जैसे ही करंट अचानक, जैसे फॉल्ट आई, करंट अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा तो वहाँ पे हमारा इंडक्टेंस प्रभावी होगा और करंट में अचानक होने वाले परिवर्तन का बहुत तेज़ी से विरोध करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस, यानी करंट के अचानक परिवर्तन में विरोध जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टेंस जो होता है ये इंडक्टेंस जो है अचानक करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में जो इंडक्टेंस होता है ये ट्रांसमिशन लाइन का एक मतलब पैरामीटर है। ट्रांसमिशन लाइन के चार पैरामीटर होते हैं, आर, एल, सी और जी। आर और एल जो होता है ये सीरीज पैरामीटर कहे जाते हैं, और सी और जी ये संट पैरामीटर कहे जाते हैं। तो इसी का हम लोग देख रहे हैं कि इंडक्टर हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी रखती है और इसके क्या क्या फैक्टर हैं, किन किन चीज़ों से ये इंडक्टेंस हमारा प्रभावी होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में ये जी हो गया, ये सी है और ये आर है, ये एल है। अब आइए हम लोग वापस आ जाते हैं इंडक्टेंस पे। तो इंडक्टेंस का, जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर का जो कुछ रेडियस होगा या डाया होगा, तो वो रेडियस जो ये इंडक्टर सॉरी कंडक्टर है, कंडक्टर अपना मतलब कि जो अंदर जो फ्लक्स बनाएगा इसे हम लोग इंटरनल बोलेंगे। दोस्तों, एक चीज़ ये देखिए, इंडक्टर जो होता है MMF वन करंट जो होता है इसको N5 I बोलते हैं। इसको हम लोग फ्लक्स लिंकेज जिसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है और बटे I। तो यहाँ से जो भी फ्लक्स लिंकेज होगा यही निकाल लें हम लोग, तो इंडक्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज एक इंटरनल के कारण होगा जिसको हम लोग फ्लक्स लिंकेज इंटरनल, और यहाँ से एक जो है रेडियस आर के बाहर जितने बनेंगे इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लीजिए, तो ये हमारा जो बनेगा एक्सटर्नल उसको हम लोग फ्लक्स एक्सटर्नल बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल का आता है ये होता है म्यू जीरो म्यू आर आई ए। अगर इस करंट को आई ले लीजिए, इसको करंट अगर ए बोल दे रहे हैं तो कंडक्टर ए बटे 8 pi a फ्लक्स इंटरनल आता है, और फ्लक्स एक्सटर्नल जो होगा ये म्यू जीरो म्यू आर अपान 2 pi, और ये जो होता है 1 by x, ये R2 इन्फाइनाइट तक के मान पे निर्भर करता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा टोटल टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो म्यू जीरो म्यू आर आई अपान 8 pi प्लस
म्यू जीरो म्यू आर आई अपान टू पाई, और यहाँ से आर टू इनफाइनाइट वन अपान एक्स, और ये डी एक्स डिस्टेंस तक जो होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये टोटल फ्लक्स हो गया। यहाँ से हम लोग अगर इंडक्टेंस निकालेंगे तो इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेज अपान आई, यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे आप, म्यू जीरो म्यू आर अपान एट पाई प्लस, यहाँ से आई कॉमन ले लिए हैं बटे आई, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, और म्यू जीरो म्यू आर टू पाई, और ये जो है आर अपान आर टू इन्फिनिटी वन बाई एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। अगर यही हमारा दो कंडक्टर की देख लिया जाए, दो कंडक्टर अगर हो जाए तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और इसको आई ए बोल दे रहे हैं, और ये आई बी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी। तो यहाँ से जो फ्लक्स लिंकेज बनेगा, तो ये फ्लक्स लिंकेज जो हो जाएगा म्यू जीरो म्यू आर एट पाई प्लस म्यू जीरो म्यू आर टू पाई। अब यहाँ से चूँकि आर से यहाँ ये जो डिस्टेंस डी तक हो गया, जो भी फ्लक्स लिंक करेगा एक्सटर्नल वाला, ये डी तक मान लीजिए जा रहा है, इसको हम लोग आर टू डी बोल दे रहे हैं वन अपान एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो म्यू जीरो म्यू आर एट पाई प्लस म्यू जीरो म्यू आर टू पाई। अब ये आर टू डी यहाँ लिमिटेड एरिया तक हो गया, तो अब इसका ये हो जाएगा लॉग एक्स, और लिमिट जो हो जाएगी आर टू डी। जब दो कंडक्टर आएंगे तब ये हमारा होगा, जहाँ पे डी जो है दो कंडक्टर के बीच की दूरी है, दो कंडक्टर के बीच की दूरी, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से और म्यू आर जो होता है वन फॉर एयर, एयर के लिए जो होगा ये वन होगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं म्यू जीरो अपान एट पाई प्लस म्यू जीरो अपान टू पाई लॉग, ये हो जाएगा डी माइनस लॉग आर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, म्यू जीरो एट पाई प्लस म्यू जीरो टू पाई, ये लॉग एम बटे एन कर सकते हैं, लॉग एम बटे एन लॉग एम माइनस एन होता है, तो इसी तरीके से हम लोग लॉग डी बटे आर कर लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आगे हम लोग को क्या मिलेगा, ये इंडक्टेंस म्यू जीरो एट पाई प्लस म्यू जीरो टू पाई लॉग डी बाई आर, ये हुआ है। यहाँ से हम लोग म्यू जीरो टू पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा वन बटे फोर प्लस लॉग डी बाई आर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, म्यू जीरो अपान टू पाई वन बाई फोर को हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर वन बाई फोर लिख सकते हैं, और प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग डी बाई आर डैश, सॉरी दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं जो वन बाई फोर है इसको मतलब कि ये वैल्यू जो है इसको लॉग ई ई के पावर वन बाई फोर लिख सकते हैं दोस्तों। ये इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वन बाई फोर लॉग ई ई हो जाएगा, तो ये लॉग ई ई की वैल्यू, चूँकि लॉग ई ई की वैल्यू वन होती है तो इसीलिए इस तरीके से रखा गया, इसको पावर चढ़ा दिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग लॉग ई के पावर ई ई वन बाई फोर रखे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लॉग एम इंटू एन जो होता है इसको बोलते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, बेस यहाँ पे ई रहेगा। इसको हम लोग फार्मूले में आगे बढ़ाएंगे तो म्यू जीरो अपान टू पाई इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ई के पावर वन बाई फोर इंटू
डी बाई आर, बेस यहाँ पे हमारा ई है दोस्तों। लॉग ई के पावर माइनस वन बाई फोर इक्वल टू होता है 2.7788 होता है। ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है पहले से, इसलिए मैं इसको सीधे फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। म्यू जीरो अपान टू पाई लॉग डी बटे ई के पावर माइनस वन बाई फोर आर, और यहाँ से बेस ई है, यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे, पुट कर देंगे म्यू जीरो अपान टू पाई लॉग ई डी अपान 0.7788 आर, और 0.7788 आर को आर डैश रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ज़्यादा लिखने में मतलब सुविधाजनक हो इसलिए हम लोग इसको कर दे रहे हैं। म्यू जीरो टू पाई लॉग ई डी अपान आर डैश कर दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है जो डी है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर है, जो आर डैश है इसको हम लोग जी एम आर बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस बोला जाता है। इसको अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से L की वैल्यू जो आ गई म्यू जीरो टू पाई लॉग ई डी बाई आर डैश, ठीक है दोस्तों। पता है म्यू जीरो की वैल्यू जो होती है 4π × 10⁻⁷। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 4π × 10⁻⁷ बटे 2π लॉग डी बटे आर डैश। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 10⁻⁷ लॉग ई डी बटे आर डैश, एल इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ लॉग ई बटे डी अपान 0.7788 आर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग दो कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, बढ़ाने से अगर ये हम लोग डी की वैल्यू इंक्रीज कर दें, अगर यहाँ से डी की वैल्यू बढ़ जाए तो यहाँ से जो हमारा इंडक्टेंस है ये भी हमारा बढ़ेगा। तो दो कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ाने से इंडक्टेंस का मान बढ़ता है। तो एक फैक्टर ये हो गया कि अगर स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो है इंडक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस हमारी बढ़ेगी। कंडक्टर की त्रिज्या बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो R की वैल्यू है अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू घटेगी। तो कंडक्टर की त्रिज्या बढ़ाने से इंडक्टेंस की वैल्यू घटती है। और दोस्तों देखिए, अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज अगर बढ़ा दें तो हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो दोस्तों अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो जो कंडक्टर के बीच में ये डिस्टेंस है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, अगर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो ये डी भी हमारा बढ़ेगा, जब डी बढ़ेगा तो हमारा जो है इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो
ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने से इंडक्टेंस का मान बढ़ता है। तीसरा चीज ये हो गया। चौथा चीज जो है, देखिए जो ओवरहेड होता है दोस्तों, जो ओवरहेड होता है, ओवरहेड में स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन यही अगर हमारा केबल हो गया, अंडरग्राउंड केबल है, तो जो अंडरग्राउंड केबल होता है ये इसमें कंडक्टर बहुत पास पास रखे होते हैं, डी बहुत मिनिमम होता है, तो स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर ये केबल का है और ये हमारा ओवरहेड का है। ये हमारा ओवरहेड का है, तो ओवरहेड का इंडक्टेंस ज़्यादा होता है अंडरग्राउंड की तुलना में, केबल की तुलना में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।